हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी विस्तार चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे ऑटोडेस्क माया का बेसिक सीरीज। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑटोडेस्क माया 2019 वर्जन ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ठीक है। तो आप लोग जब पहली बार ये सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीन आएगा एंड उसके साथ में ही आपको ये पॉपअप आएगा। अब ये पॉपअप क्या है थोड़ा हम लोग समझ के लेते हैं कि व्हाट्स न्यू हाईलाइट सेटिंग, मतलब माया के ये वर्जन में कौन से ऑप्शंस नए आए हैं, मतलब 2019 में वो आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड दिखेगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे गया सी विंडोज में, मैं देख सकता हूँ कि बायफ्रॉस्ट ब्राउजर एंड बायफ्रॉस्ट ग्राफ एडिटर ये नए हैं, दे आर द न्यू फीचर जो कि 2019 में है और 2018 में नहीं होंगे और 2019 के आगे के वर्जन्स में कंटिन्यू होते रहेंगे। तो मुझे चाहिए, मुझे जानना है कि ये जो वर्जन है उसमें नया क्या है और क्या मुझे ये स्टार्टअप में देखना है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा एक यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। और आप लोग जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो आपका यहाँ पॉलीगॉन मॉडलिंग होगा, ठीक है। ये क्या है मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। तो ये जो आप लोग पूरा स्क्रीन देख रहे हो ये मेरा एक इंटरफेस हो गया। इसके अंदर वो टूल्स है जिसको यूज़ करके हम लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इंटरफेस पे जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि माया सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें टूल्स बहुत सारे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे हैं। तो हम लोग बिना कुछ वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, ठीक है, उसमें भी ये नेविगेशन बार होता है। तो हम लोग को माया में भी ये नेविगेशन बार दिया गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि अगर मैं फाइल में गया तो फाइल में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, न्यू सीन, ओपन सीन, सेव सीन, एडिट में जा सकता हूँ, एडिट में आई कैन से कॉपी पेस्ट अंडू रीडू, क्रिएट में भी जाके मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपका बेसिकली मेनू बार हो गया। देन उसके नीचे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये आपका स्टेटस बार है। स्टेटस बार मतलब क्या कि वो आपको बता रहा है कि आपका जो सीन है वो सीन का स्टेटस क्या है, ठीक है, आप कौन से स्टेटस में हो। स्टेटस मतलब आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉडलिंग है तो मॉडलिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। यदि आप मॉडलिंग नहीं करना चाहते हो, आप रिगिंग करना चाहते हो तो आप रिगिंग में चले जाओ, एनिमेशन करना चाहते हो तो एनिमेशन में चले जाओ। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है मैं थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ, ठीक है। मॉडलिंग मतलब हम लोग जब 3D एनिमेशन का सॉफ्टवेयर सीख रहे होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, तो हम लोग पहली चीज़ जो करते हैं वो मॉडलिंग सीखते हैं। मॉडलिंग मतलब कोई चीज़ को ज़ीरो से बनाना, स्क्रैच से बनाना। जैसे कि अगर मान लो कि एग्जाम्पल ले लो बिल्डर का, अगर बिल्डर को कोई बिल्डिंग खड़ा करना है तो वो क्या करेगा, ब्लूप्रिंट लेगा और वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से रेती सीमेंट यदि सब चीज़ को यूज़ करके वो बिल्डिंग को खड़ा कर देगा। तो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो मॉडलिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉडलिंग करना है तो मैं यहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ये ले सकता हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ, इसका लंबा, ये मॉडलिंग हो गया। उसके अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट को कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका एनिमेशन कर सकते हैं, रिगिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब स्टेटस बार में मैं यहाँ से कोई भी जो मेरा स्टेटस है उसको चेंज करता हूँ, ठीक है। सो मान लो तो यहाँ पे लिखा है मेनू सेट मेनू, ठीक है। तो विंडोज़ के बाद वाले ऑप्शंस पे आप थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ रिगिंग में तो विंडोज़ के आगे के जो ऑप्शंस है वो सिर्फ रिगिंग के ही कनेक्टेड ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे एनिमेशन करना है तो सिर्फ एनिमेशन के ही ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे।
विंडोज तक तो सब ऑप्शंस मेरे नॉर्मल ही रहेंगे, ठीक है। तो एफएक्स करूंगा, डायनामिक्स की बात करूंगी, मुझे कुछ तोड़ना है या किसको आग लगाना है कोई चीज को, तो हम लोग एफएक्स में जा सकते हैं। तो एफएक्स के मेनू यहाँ पे आ गए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माया बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो एक ही साथ में सब टूल्स को दिखाना पॉसिबल नहीं होता है और सामने वाला कंफ्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन गो हियर एंड वी कैन से मॉडलिंग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मॉडलिंग सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मॉडलिंग के टूल्स दिखाई देंगे। इसके अलावा आगे भी बहुत सारे टूल्स है, ठीक है, मैं आगे जाऊंगा थोड़ी देर में कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हो, ये सब चीज़ क्या है। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये मेरा स्टेटस लाइन है या स्टेटस बार है, उसी के नीचे हम लोगों को एक शेल्फ का एरिया मिलता है। बेसिकली ये जो है ये मेरा शेल्फ हो गया। शेल्फ मतलब फॉर एग्जांपल अलमारी पकड़ लो। शेल्फ में क्या होता है कि मान लो मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन में कुछ चीज़ें बनानी है, जैसे कि मुझे क्यूब बनाना है और ये क्यूब को मान लो मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ से, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड में जाऊँगा। तो ये जो प्रोसेस है चीज़ें बनाने का, ये शेल्फ इजी करता है। माया ने क्या किया है, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे वर्क फ्लो में, ये सारी चीज़ों को उठा के उसने शेल्फ में डाल दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सट्रूड आता है, तो हम लोग यहाँ से एक्सट्रूड को क्लिक कर सकते हैं, तो एक्सट्रूड हो गया। मान लो कि मुझे एक स्पीयर बनाना है, तो मैं यहाँ से स्पीयर बना सकता हूँ। बजाय यहाँ से यहाँ पे जाने से अच्छा है कि आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, तो ये हम लोग को शेल्फ दिया है। और इसके अलावा आप लोग अपना खुद का भी शेल्फ क्रिएट कर सकते हो। ये जो गेयर आइकॉन देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे बोल दो न्यू शेल्फ, तो आप लोग आपके नाम का एक न्यू शेल्फ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे सीजी विस्तार के नाम का एक शेल्फ बना दिया है, और ये शेल्फ में हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, वो आगे के सेशंस में या आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको रिसेट कर देता हूँ। तो मैं फट से एक बार वही चीज़ों को दोहराता हूँ कि ये मेरा मेनू बार हो गया, ये मेरा स्टेटस लाइन हो गया, एंड थर्ड सेक्शन जो है वो मेरा शेल्फ हो गया। अब शेल्फ के अंदर कोई चीज़ को कैसा ऐड करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। आज मैं सेशन को एकदम सिंपल एंड फोकस्ड रख रहा हूँ सिर्फ इंटरफेस के एलिमेंट्स में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा टूल बार है, यहाँ पे मैं टूल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। एंड राइट हैंड साइड में मुझे तीन कॉलम्स मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग अ चैनल बॉक्स, मॉडलिंग टूल किट एंड एट्रीब्यूट एडिटर। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे तो वैसा वैसा मैं आप लोगों का हर एक चीज़ क्लियर करते जाऊंगा। एंड ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो ये पूरा का पूरा एनिमेशन के कंट्रोल्स है। जब हम लोग माया में कोई चीज़ का एनिमेशन करते हैं तो ये चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब मेरा प्लेबैक का कंट्रोल्स हो गया, की फ्रेम कैसा देना है, की फ्रेम कैसा निकालना है, वो सब यहाँ पे आएगा। एंड ये मेरा स्क्रिप्टिंग का विंडो हो गया और ये मेरा हेल्पलाइन हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे गलती से कुछ चीज़ें मेरे से हो गई तो आप लोगों को यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा, एक मैसेज देगा कि क्या आपका एरर आया है। सो बेसिकली ये मेरा इंटरफेस हो गया। एंड देन हम लोग मेन चीज़ में जाते हैं कि जैसे आप लोग देख रहे हो ये मेरा बड़ा विंडो है, दिस इज़ नोन एज द व्यू पोर्ट या कैमरा। 3ds Max में हम लोग इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, बट माया में, माया के लैंग्वेज में हम लोग इसको कैमरा बोलते हैं। तो ये मेरा एक कैमरा हो गया। तो अगर मैं स्पेस बार को जल्दी से प्रेस करके छोड़ रहा हूँ एक बार, तो मैं मेरे चार कैमरा में जा रहा हूँ। पर्सपेक्टिव को छोड़ दो, यहाँ पे टॉप है, फ्रंट है एंड साइड है, तो ये तीन जो व्यूज़ है ये मेरे ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गए एंड ये मेरा पर्सपेक्टिव हो गया।
इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे टॉरस बनाया, तो ये टॉरस टॉप में कैसा दिखेगा, फ्रंट में कैसा दिखेगा और साइड में कैसा दिखेगा। यदि मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि ये सब व्यू में मुझे दिख रहा है। तो 3D की खासियत ये है कि आप लोग कोई एक एंगल से चीज़ को ना बनाए, मॉडल ना करें, हम लोग उसके सब डायमेंशंस को मद्देनजर रखते हुए ही सब चीज़ का मॉडलिंग करेंगे। तो इसके लिए ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई एक पर्टिकुलर कैमरा को या व्यूपोर्ट को बड़ा करना है तो आप वो कैमरा पे क्लिक करो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक किया है, तो इसको स्पेस बार दबाना एक बार, ठीक है। जैसे आप लोग स्पेस बार दबाओगे तो यहाँ पे ये विंडो मेरा बड़ा हो जाएगा। और मुझे कैसा मालूम पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे एक थिक आउटलाइन दिख रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि मैंने ये पर्टिकुलर जो विंडो है उसको सिलेक्ट किया है। ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा पर्सपेक्टिव में एंड वापस इसको बड़ा कर दूँगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए वापस यहाँ पे न्यू सीन में जाके इसको रिसेट करता हूँ। अभी लास्ट में देखते हैं कि हम लोग व्यूपोर्ट में कैसा नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे क्यूब को क्रिएट करता हूँ। ये मेरा क्यूब है। अभी मुझे ये क्यूब को थोड़ा नज़दीक से देखना है, थोड़ा घुमाना है, थोड़ा ऑर्बिट करना है कैमरे को, मैं कैसा करूँगा। माया में ऑल्ट की जो है ये आपका बेस की होता है। अगर मैं ऑल्ट को क्लिक करके रखूँगा एंड राइट क्लिक करूँगा तो मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ऑल्ट एंड राइट क्लिक, जूम इन जूम आउट हो गया। ऑल्ट एंड मिडल क्लिक मेरा पैन हो गया एंड ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक मेरा ऑर्बिट हो गया। तो ध्यान में रखो कि ऑल्ट की जो है ये मेरा बेस की होता है, तो ऑल्ट की को मुझे दबा के ही रखना है। एंड देन मैं यहाँ पे राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट करूँगा, मिडल क्लिक दबा के पैनिंग करूँगा एंड लेफ्ट क्लिक से ऑर्बिट करूँगा। यदि मैं कोई एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट व्यू में गया, इसको बड़ा किया, तो फ्रंट व्यू में मुझे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कैसा, मैं ऑल्ट पकड़ के इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, मिडल क्लिक से पैन भी कर सकता हूँ, बट ये मुझे ऑर्बिट करने नहीं देगा। अगर मैं इसको ऑर्बिट करने जाऊंगा तो यहाँ पे एक एरर मुझे शो करेगा, ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करंटली लॉक्ड। मतलब हम लोग ऑर्थोग्राफिक को नॉर्मली ऑर्बिट नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑर्थोग्राफिक है। इसका काम ही यह है कि हम लोग को एक मॉडल को वो सिर्फ एक ही हिस्से से शो कर रहा है कि टॉप से कैसा है, फ्रंट से कैसा है, साइड से कैसा है। अगर आपको ऑर्बिट करना है तो आप पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाओ एंड इसको ऑर्बिट करो। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग स्पेस बार को दबा के ना रखो, दबा के रखोगे तो हॉट मेनू आ जाता है, ये उसका नोड मेनू हो गया। इसीलिए मैंने बताया था कि आप जल्दी से इसको प्रेस करके छोड़ दो। बेसिकली ये अपना एक शॉर्ट वीडियो था इंटरफेस के ऊपर एंड व्यूपोर्ट नेविगेशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स को कैसा क्रिएट करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, कैसा मूव करेंगे, कैसा रोटेट करेंगे एंड कहाँ पे इसको सेगमेंट्स बढ़ाएंगे, कभी सेगमेंट्स इसका कम करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू।